नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मुजफ्फरनगर में तेतावी थाना क्षेत्र के ग्राम बकरा निवासी युवक को मामूली विवाद के बाद पीट पीट कर ट्रक के नीचे फेंक दिया गया, जिससे युवक की कुचल कर मौत हो गई। परिजनों ने दूसरे पक्ष पर ट्रक के नीचे धक्का देकर हत्या का आरोप लगाते हुए श्यामली रोड जाम कर दिया। देर रात तक यहां जाम लगा रहा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से युवक की हत्या हुई है। इधर पुलिस पीड़ित पक्ष को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन देर रात तक श्यामली रोड पर जाम लगा रहा। बताया जा रहा है कि बगरा निवासी जियालाल सैनी और पप्पू पक्ष के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसकी शिकायत लेकर दोनों पक्ष बगरा स्टैंड स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंचे थे, जहां चौकी इंचार्ज ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर समझौता करा दिया। वापस लौटते समय जियालाल पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के हर्ष पुत्र पप्पू को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच आरोप है कि हमलावरों ने युवक को सड़क से गुजर रहे ट्रक के सामने धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। इस मामले में मृतक पक्ष के लोगों ने हंगामा करते हुए जाम लगाए रखा। पीड़ित पक्ष का साफ आरोप था कि पुलिस की लापरवाही से हत्या की गई है। आरोप था कि तेतावी पुलिस की लापरवाही से छात्र की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। इनका कहना था कि मृतक के साथ मारपीट कर रहे युवकों को पुलिस ने चेक पोस्ट से ही छोड़ दिया था, जिसके चलते हमलावरों के हौसले बुलंद हो गए। पुलिस चौकी से छूटने के बाद चंद कदमों की दूरी पर हमलावर युवकों ने छात्र की हत्या की घटना को अंजाम दे डाला। हत्या से पहले भी चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही मारपीट हुई थी, जिसके बाद छात्र ने पुलिस चेक पोस्ट में घुसकर अपनी जान बचाई थी, जिसके बाद पिटाई करने वाले युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर चंद मिनटों के बाद ही चौकी से ही आरोपियों को पुलिस ने रिहा कर दिया था। पुलिस चौकी से निकलते ही आरोपियों ने छात्र को मारपीट कर चलते ट्रक के नीचे फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। देखिए, एक हर्ष नामक 16 साल के बच्चे की बड़ी दर्दनाक मौत यहाँ पर हो गई है, जिसमें परिजनों का आरोप है कि कुछ गांव के ही लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की और मारपीट के बाद उसको यहाँ ट्रक के सामने डाल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस मामले में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, विवेचना की जा रही है, जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। लगा था कि आश्वासन पर जाम खुला। हाँ, इन्होंने जाम लगाया था इस बात के लिए कि एक तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो और दूसरा चूंकि दुखद मृत्यु थी, कुछ मुआवजे की मांग की थी, उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी मुआवजा दे है वो दिया जा रहा है और जो साक्ष्य संकलन की और गिरफ्तारी की कार्रवाई वो की जा रही है। सर, पीड़ित परिवार की ओर से बताया गया है कि जो दरोगा जी थे उनकी कोई लापरवाही। हाँ, इसके बारे में उन्होंने आरोप लगाए हैं और उसके बारे में भी कार्रवाई की जा रही है।